हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर टिप्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। यार आपने यूट्यूब पे बेबहा वीडियोस देखी होगी ऑनलाइन अर्निंग करने की, आप कॉपी लिंक करें, ये करें, वो करें। यार आप ऑनलाइन अर्न तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको उसके लिए थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। मैं आपको पहले बताता हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। यार तीन वेज हैं ऑनलाइन अर्निंग करने की, जिससे आप कुछ भी कर लें आप उन तीन वेज के बगैर अर्निंग नहीं कर सकते। वो जो सिंपलेस्ट मैं आपके साथ तीन वेज शेयर करता हूँ कि पहला जो वे है वो आप या तो किसी को कुछ सिखा के अर्न कर सकते हैं, या आप किसी को कुछ बेच के अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, या आप इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हैं। यार इन्वेस्ट करना तो थोड़ा सा ये है कि उसमें आपको थोड़ा इन्वेस्ट, अगर आपने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो मिनिमम $500 तक इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आपने आपने वो है शेयर्स खरीदने होते हैं $500 या 600, अगर आपने 500 को 600 में कन्वर्ट करना है तो आपको उसके लिए शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। वो थोड़ा सा ना लंबा प्रोसेस है, उसके लिए थोड़ी सी स्टडी भी करनी पड़ती है शेयर्स कैसे खरीदने हैं। लेकिन हम मेन अब दो पे रहते हैं कि आपने दो है, आपने कुछ सिखाना है और कुछ बेचना है। पहले आते हैं कि आपने बेचना क्या है। तो यार जो बेचने के लिए पाकिस्तान में बेस्ट है ना, वो है दराज। यार लोग बाहर भागते हैं, अमेज़ोन की कोर्स करते हैं या अमेज़ोन पे। यार अमेज़ोन भी सेम चीज़ है, अमेज़ोन इंटरनेशनल है, दराज गया कि सिर्फ पाकिस्तान में चलती है। यार आपने दराज पे करना, अब आपने यार दराज पे जाना है, सेलर अकाउंट बनाना है। सेलर अकाउंट बनाना बहुत आसान है, मैंने भी अपने चैनल पे बताया होगा सेलर अकाउंट कैसे बनाना है। उसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च कर लें यार सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी कि आपने दराज पे सेलर अकाउंट कैसे बनाना है। आप वहाँ से देख के आप दराज पे सेलर अकाउंट बना सकते हैं। उसके अलावा अब आपने प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है और क्या लेनी है, आपने यार कोशिश करनी है कि सस्ती से सस्ती प्रोडक्ट को दराज पे बेचें, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जितनी कम प्राइस की होगी आपके जो है ना उतने ज़्यादा पीसेस दराज पे बिकेंगे। तो उसके लिए आपने करना ये है कि अपने एरिया में देखना है कि आप पाकिस्तान में किस एरिया में रहते हैं और आपके पास कौन सी चीज़ आपके एरिया में सस्ती मिलती है, जो आपको होलसेल पे मिल सकती है, उसको आप ऑनलाइन जो है ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसको आप ऑनलाइन बेच के ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप कोई ना ये इसकी मोबाइल एक्सेसरीज बेचें। वो उससे ही आपको थोड़ा एक ये है कि दराज में मोबाइल एक्सेसरीज सेल भी ज़्यादा होती हैं, जैसे फ़ोन के कवर्स हो गए, कोई हैंड फ्रीज होगी, अडॉप्टर हो गए, डाटा केबल्स होगी, ये चीज़ें इसमें ये है कि आपको हॉल रोड से मिल भी सस्ती जाएंगी। वो कह लेंगे जो आपको एवरेज हैंड फ्री है ना, जो आपको मार्केट में 250-300 रुपये की मिलती है, वो आपको हॉल रोड से आराम से 100 रुपये की मिलती है। 100 रुपये की अगर आप तकरीबन 20-25 पीस लेते हैं ना, आपको 100 रुपये की मिल जाएगी आपको। यानी आपको आपने तकरीबन 2000 की हैंड फ्रीज ले लेनी है, 2000 की USBs ले लेनी है, डाटा केबल तकरीबन कह लेंगे 2000 की, 2000 की अगर आपने USBs लेनी है, आप 2-3 USBs ले लें। वो ये है कि वो USB है कि जो USB है वो तकरीबन 600-700 रुपये की आपने दराज पर लगानी है। जो महंगी चीज़ होती है वो दराज पर आहिस्ता सेल होती है। तो आपने जो है हैंड फ्री है वो आपने वहाँ से 100 की बाई की है, आपने दराज पर आके 300 की लगा दी है, तो आपकी वो आराम से जल्दी ज़्यादा सेल होगी। ज़्यादा सेल कैसे, अपनी सेल कैसे बढ़ानी है, उसका मेन ये है कि आपने पहले तो ये करना है कि उसकी जो पिक्चर्स हैं वो अच्छी अच्छी दराज पे लगानी है, उसकी सारी क्वालिटी बतानी है, क्वालिटी क्या है, उसके साथ आपने करना क्या है। आपने पहले जो है अपनी अगर कोई प्रोडक्ट सेल करनी है ना, आपको थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ना है, थोड़ी ट्रिकियाँ लगानी पड़नी है। अपने घर में या किसी दोस्त को कहें कि आपके अकाउंट में जाए दराज के, वहाँ से प्रोडक्ट बाय करें। प्रोडक्ट बाय करने के बाद वो आप उसको पैसे दे देंगे, यार मेरी ये आपने प्रोडक्ट बाय की है, आप वो मुझे प्रोडक्ट दे देना, मैं आपको आपने जो प्रोडक्ट मंगवाई है मैं आपको उसके पैसे दे दूँगा। तो आपने उसको आपने सिर्फ ये कि रिव्यू डालने हैं वहाँ, आपने उस जो है प्रोडक्ट उसकी पिक्चर लेनी है, रिव्यूज़ में जाके रिव्यूज़ अपलोड करने हैं। ये है कि अगर कोई भी बंदा कोई दराज से प्रोडक्ट बाय करता है तो वो रिव्यूज़ लाजमी चेक करता है। तो आपने रिव्यू लाजमी किसी को कह किसी ने भी अगर आपने किसी फैमिली मेम्बर को कहा कि आपने उसके अकाउंट पे जाके ज़रा ये है कि आपने रिव्यू लाजमी अपलोड कर देना है। उससे यह है कि आप दराज से अगर आपके यार बड़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके हज़ारों में पीस भी सेल हो जाते हैं, अगर आप उसके सिर्फ 100 रुपया भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं ना उससे, अगर आपके सस्ती प्रोडक्ट है हज़ारों पीस सेल हो जाते होते हैं। मैंने कई ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जो 70-80 रुपये जिनकी प्राइस है, उनके हज़ारों पीस 1500-1700 पीस सेल हुए हैं। तो आराम से यार इसके पीस स्टार्ट में आपके कुछ पीस सेल होंगे, 10 पीस 12 पीस 50 पीस, ये है कि 50 पीस भी अगर आपको सेल होते हैं साल लग जाता है, उसके बाद आपकी अर्निंग बढ़ना शुरू हो जाती है। तो पहला वे तो ये हो गया कि आपने दराज से कैसे अर्न करना है। दूसरा ये है कि आपने आप किसी को सिखा के अर्न कर सकते हैं। सिखा के अर्न करने के लिए बेस्ट वे है वो है यूट्यूब। उसके अलावा फाइवर आ जाता है, फ्री लांसिंग आ जाती है, या अमेज़ोन पर भी आप सिखा सकते हैं किसी को। यार वो थोड़े से मुश्किल तरीके हैं, सबसे जो आसान तरीका है वो यूट्यूब है।
और यूट्यूब आपको जो है वो रेवेन्यू भी ज़्यादा देता है, आपकी सोच से भी यूट्यूब आपको रेवेन्यू ज़्यादा देता है। ये है कि यूट्यूब पे आप थोड़ा सा, आपको ये है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना टाइम, आपने अपना टाइम यूट्यूब को देना है। आप यूट्यूब को मेरे कहने पे सिंसियर होकर सिर्फ एक साल दे दें, आप एक साल अगर यूट्यूब को सिंसियर होकर दे देंगे आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगे। लेकिन ये है कि आपने सच्चे दिल से मेहनत करनी है और सिंसियर रहना है। कोई इसमें एक शॉर्टकट नहीं ढूंढने के, यार मैं कोई शॉर्टकट ढूंढ लूँ जिससे मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएँ या मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ। आपने कंटेंट अपना अच्छा रखना है, मेन जो गेम है वो सारी कंटेंट की है। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं भी है, अगर आपकी वीडियो क्वालिटी नहीं भी अच्छी, आपका कंटेंट अच्छा आपका चल जाएगा। अगर आपको कंटेंट नहीं अच्छा, आपकी वीडियो क्वालिटी जितनी मर्जी अच्छी है यार, आपके घर वाले भी नहीं देखेंगे। आपने वीडियो क्वालिटी को भी ज़्यादा मेंटेन रखना है, कोई ज़्यादा भी गंदी ना हो, अच्छी ना भी, एवरेज होनी चाहिए। उसके साथ आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट यार मैं कहूँगा आप तकरीबन महीना डेढ़ लगा के पहले अपना कंटेंट सोचें कि आपने जो कंटेंट सोचा है उसके ऊपर आप मैक्सिमम कितनी वीडियोज़ बना सकते हैं। आप उसके कंटेंट सोच लेंगे यार, आप मिनिमम कोई 35-40 कंटेंट सोच कर रखें जिनके ऊपर आपने वीडियोज़ बनानी है। आप स्टडी के रिलेटेड बना सकते हैं यार, सिखाने में सिर्फ ये नहीं आता कि आपने बुक्स जो है वो जो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, उनको सिखाना नहीं यार। आप कुछ भी लैपटॉप के रिलेटेड सिखा सकते हैं, मोबाइल के रिलेटेड सिखा सकते हैं, आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड लोगों को गाइड कर सकते हैं, या कुछ भी आप यूट्यूब पर अगर किसी को गाइड करते हैं तो उससे आपका जो चैनल है वो जल्दी ग्रो करता है। क्योंकि यूट्यूब पे कुछ ये है कि रेवेन्यूज ना थोड़े ये है कि उन्होंने पार्टीशन की होती है कि जो है वो व्लॉगिंग को व्लॉगिंग जो करते हैं उनको वो ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं, उसके अलावा जो गेमिंग करते हैं उनको थोड़ा सा उसे कम देते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने थोड़ी सी पार्टीशन की होती है कि आपने जो है ना वो आपके कंटेंट के लिहाज से वो आपको पेमेंट देते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।